अरे ये कोई तमीज है क्या? तुम्हें समझ नहीं आई? ये कोई तरीका, हमारा तरीका यही है। तीन बार बोला, समझ नहीं आई? तुमको मत लगा, इधर आओ, बाहर आओ, घूम मत मुझे, बाहर आओ, जा बताओ आ क्या ले ली मेरी बहन को तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको बदतमीजी से बोलेगी? इसको बंद कर ले, इसको बंद कर ले मिस्टर, इसको पहले बंद कर ले, बंद कर लो, बंद कर लो, इसको बंद कर ले, बंद कर लो, बंद कर लो। अरे तू रिकॉर्डिंग को छोड़ना, मैं कर रहा हूँ ना फैसला, तू कर रहा है रिकॉर्डिंग में। जय श्री श्याम, आज मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ, बाबा श्याम के दरबार की। बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जिसका विरोध आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा, लेकिन बाबा श्याम की प्रेरणा से जो घटना आज मेरे सामने हुई, उसके कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो मैंने कहा भैया मुझे दर्शन के लिए जाने दे, मैंने जाने दिया, कई लोग गए, लड़की गई, जेंट्स गए, लेकिन मुझे उसने जाने नहीं दिया। जो जानकार है ना उन्हीं को ही वीआईपी लेन से अंदर भेजेंगे। ये मानते हो ना आप, खाटू श्याम में भेदभाव होता है लोगों? ये तो है, पर नहीं, हमें तो बाबा से आस्था, इसलिए हम तो जैसे भी बाबा के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाबा के लिए आते हैं, बस बाबा के लिए आते हैं हम। उन सबसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि मंदिर कमेटी में जितने भी लोग हैं, प्लीज, यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो प्लीज उनके लिए मदद कीजिए, किसी को वीआईपी मत समझिए, सब लोग समान है, सब लोग दूर से आते हैं, तो प्लीज आप लोग कमेटी के लोग हैं, आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। मंदिर प्रवेश से लेके दर्शन की बात तक जो भेदभाव और दुर्व्यवहार मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक द्वारा किया गया, जिसमें मुख्यतः यह है कि व्यवस्थापकों द्वारा अपने परिचितों व ग्रामवासियों को तो वीआईपी एंट्री की जाती है, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की और अमानवीय व्यवहार किया जाता है। श्रद्धालु अगर मंदिर प्रांगण कमेटी के संपर्क करना चाहते हैं तो कमेटी के सदस्य व अध्यक्ष द्वारा श्रद्धालुओं को संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। अब मैं श्याम प्रेमियों से ये पूछना चाहती हूँ कि मंदिर में वीआईपी एंट्री क्यों, और कमेटी का क्या फायदा जो श्रद्धालुओं के संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं? आप सभी श्याम प्रेमियों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को इतना प्रचार प्रसार किया जाए कि मंदिर प्रांगण कमेटी इन मुद्दों पर विचार करे और इनमें सुधार आए। जय श्री श्याम।